एंड वेलकम टू अ वार्म सनी मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ शिवानी, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 4th of June एंड अर्जित का बर्थडे है ऑन 6th of June। सो जो नए नए मेंबर्स हमारी फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम हर दिन अर्जित का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज के लिए भी ना कुछ मस्त मस्त सी एक्टिविटीज प्लान है जो अर्जित को पसंद है। सो गाइज, आप बर्थडे बॉय से नहीं मिलोगे। हाय, आई एम अर्जित एंड कल का दिन तो भाई सुपर पावर पैक था। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी। जिन्होंने भी कल का व्लॉग नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच इट। जिन्होंने भी देखा है थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी होंगी ना जो भी हमने कल की आज के वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अगर ब्रसल्स में हो तो उसको जरूर ट्राई करना क्योंकि ये सब कर्टसी क्यूटी पाई ने की है। सारी की सारी बुकिंग्स मैडम ने की है। तो गाइज, हम हैं दो मुसाफिर और हमारा दिन ना खाने के बिना शुरू ही नहीं होता। खाना खाने जा रहे हैं? हाँ जी, हम तेरा फेवरेट क्यूजीन खाने जा रहे हैं आज। हम इटालियन खाने जा रहे हैं। अच्छा, मैं तेरा मुक्का मारूंगी। कल तूने अपना फेवरेट क्यूजीन क्या बोला था? हम इंडियन खाने जा रहे हैं। ओके गाइज, ये ना मेरा खाने के मामले में बहुत दिमाग खाता है यार। कल के व्लॉग में भी देखा होगा आपने, जाके देख के आओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आए हैं चंडीगढ़ में। हमने ना इस रेस्टोरेंट के बारे में काफी रिव्यू सुने थे, सो इट वाज हाई टाइम कि इंडियन खाना है और हम ट्राई करें यहाँ पे। हाँ जी, तो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा सरप्राइज है। सो मैडम ने हमारे लिए प्रोसेको ऑर्डर किया। प्रोसेको की पूरी बॉटल आई है यहाँ पे। प्रोसेको इज अ टाइप ऑफ शैंपेन जो हम दोनों की फेवरेट है, हम दोनों को बहुत पसंद है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इटली में टेस्ट किया था एंड इट इज वेरी टेस्टी। सो गाइज, हमारा फर्स्ट आइटम आ गया है। हम लोगों ने स्टार्टर स्टार्ट किए थे प्रोसेको के साथ। वी ऑर्डर्ड मसाला पापड़ एंड वी ऑर्डर्ड पकौड़े। गाइज, इवन द पकौड़ाज आर अमेजिंग। इतने क्रिस्पी हैं, इतने पतला बैटर है, जस्ट वे आर लाइक। गाइस, तो हमने जस्ट अभी अपना खाना ऑर्डर किया है। यहाँ पे थाली सिस्टम है, इट्स प्योरली वेजिटेरियन एंड यहाँ पे दो थाली है। एक ट्रेडिशनल थाली है जो हर रोज मिलती है आपको और एक संडे स्पेशल थाली है, तो हमने दोनों ही थाली ऑर्डर कर दी है। सो दोस्तों, अर्जित की तो थाली आ गई है। अर्जित, अपनी थाली का जरा टूर द ताबले तो देना। गाइस, आई एम इन फूड हेवन। मतलब ये चीज मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ब्रसल्स में ना बहुत इंडियन रेस्टोरेंट है बट कहीं पे भी वो ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट नहीं आता। ये इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल हैव दैट ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट। मैं क्रेजी हो रहा हूँ। सो मेरी प्लेट में जो सबसे एविडेंट चीज़ है वो है ये ब्यूटीफुल सा भटूरा। तो दो मैसिव भटूरे हैं, उसके साथ पिंडी छोले हैं आलू के साथ एंड ये बहुत टेस्ट लग रहा है। बिल्कुल दिल्ली वाला फ्लेवर लग रहा है दिखने में। उसके बाद वी हैव चाट, वी हैव अचार, वी हैव गोलगप्पे। गोलगप्पे की फिलिंग है, गोलगप्पे का पानी है, मैंने हल्का सा टेस्ट किया, अच्छा तीखा पानी है एंड ऑब्वियसली यू कैन सी वी हैव गुलाब जामुन। तो मेरी थाली तो सेट भाई। मेरी ट्रेडिशनल ग्रैंड थाली ना कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड है, लेट मी शो यू। सो यहाँ पे है गोभी आलू, देन दिस इज मटर की सब्जी, दिस इज पनीर की सब्जी, इट्स बेसिकली अ थिक ग्रेवी, देन दिस इज छोले, चाट, सैलेड, टोमेटो चटनी, थोड़ा सा पुलाव दिया है और दो टाइप की अमेजिंग रोटी। ये प्योर दिल्ली वाला टेस्ट है, बहुत चाहिए। मैंने तो अर्जित की थाली का चाट मार लिया है। आई लव दही भल्ला एंड चाट्स। अर्जित, आई एम नॉट शेयरिंग इट विद यू। कोई बात नहीं, तू खा, एंजॉय कर। लेट्स ट्राई फूड फ्रॉम माय थाली। मैं सबसे पहले शुरू करूंगी गोभी आलू। बहुत टेस्टी यार। चार गला चार ग्लास प्रोसेको पीने के बाद और ये पूरी थाली खत्म करने के बाद ना मैं सच में फूड एंड ड्रिंक कोमा में चली चुकी हूँ, जा चुकी हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करूँगा। तेरी एक्टिविटीज पेंडिंग है, क्या करेंगे हम? ये पूरी सेट हो चुकी है इस टाइम पे। कह रही दिमाग से मैं सेट हूँ, पेट से मैं सेट हूँ और कुछ नहीं हो रहा है मुझसे। और मेरा भी सेम हाल है गाइज। इतना खाना खा लिया है, इतनी दारू पी रही है, पूरी भूखे खत्म हो गई, बस इतना सा बचा है, अब और नहीं पिया जा रहा है, हमसे जान निकल गई है। ऐसे कैसे नहीं पिया जा रहा है, बर्थडे बॉय है, पूरा चेक करवाऊंगी। पी मजा आया? आई एम डन। और नहीं हो रहा है। लास्ट लास्ट क्लास ऑफ शैंपेन। चीयर्स, लास्ट चीयर्स। चीयर्स टू योर बर्थडे। थैंक यू। क्या है अभी जो लाइन बोली दोबारा बोलना। हम लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट मिला है एंड उसमें उन लोगों ने हम लोगों को ऐसे कैंडल में लगा के जस्ट टू मेक द बर्थडे इवन मोर स्पेशल ऐसे दिया है। सो स्वीट। चलो फिर प्री बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ब्लो द कैंडल्स।
हैप्पी बर्थडे टू यू, ईट इट, चग इट। कुल्फी है आराम से। वो कुल्फी है ये? ओके, पिस्ता कुल्फी। पिस्ता कुल्फी। तो गाइस मैंने तो मंगाया है मेरा फेवरेट गाजर का हलवा, जो मुझे कभी मतलब लाइक दो साल से खाने को मिला नहीं है। लेट्स टेस्ट। इट्स गुड बट ये ना इंग्लिश कैरेट्स नहीं होते जो कौन सा होता है, ऑरेंज कैरेट्स जो होते हैं उससे बना हुआ है, रेड कैरेट्स वाली बात नहीं है, बट इट्स स्टिल गुड, वेरी टेस्टी। पाजी छोड़ दो, आप कितना चाटोगे। जब प्लेटें खत्म हुई थी, हमारी थालियां खत्म हुई थी, मेरा तभी बस हो चुका था। उसके बाद मैडम ने दारू चेक करवाई, उसके बाद ये डेजर्ट खाया। मैं तो ऐसे लग रहा हूँ अलग प्लेनेट पे पहुंच चुका हूँ। भाई वही इंटेंशन है, हाई तो उड़ने चाहिए आज। उड़ रहे हो तुम आसमान में। सो गाइस अब हम लोग ट्रैम स्टॉप पे बैठे हैं, हमारी ट्रैम है टू द नेक्स्ट एक्टिविटी जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। सो आई विल गिव यू हिंट्स ना, सो इट्स अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, गेस कर। बॉलिंग करने जा रहे हैं? नहीं, अपर बॉडी यूज होगी। अपर बॉडी यूज, अपर बॉडी एंड आर्म स्ट्रेंथ। हाँ जी मैडम, हम कहाँ जा रहे हैं? ये अपर बॉडी वर्कआउट तुमने बोल तो दिया है, क्या है अपर बॉडी वर्कआउट? मेरी अपर बॉडी नहीं, आर्म्स वर्कआउट है, और हम जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब सी फन एक्टिविटी के लिए, एंड दैट्स कॉल्ड एक्स थ्रोइंग। एक्स थ्रोइंग? एक्स थ्रोइंग क्या होता है भाई? एक्स होता है उसे थ्रो करना है। टू वेज थ्रो, यू हैव अ वन हैंडेड टेक्निक एंड अ टू हैंडेड टेक्निक। ओके, कम अप बिहाइंड योर हेड, गो फॉरवर्ड एंड बहुत देर से मेरी बेइज्जती हो रही है, अब मैं जा रहा हूं और मैं इसे पक्का हिट करूंगा। गाइस तो हम अपनी चैंपियनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले तो लग भी नहीं रहा था बट अब लगना स्टार्ट हो गया है। आपको पॉइंट सिस्टम बताता हूँ हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। इस एरिया में है 1 पॉइंट, इस एरिया में 2, 3 एंड 4। रेड पे स्पॉट करेंगे तो 5 पॉइंट, ब्लू पे स्पॉट करा उसके अंदर अंदर तो 10 पॉइंट। शिवानी स्टार्ट कर रही है, लेट द चैंपियनशिप बिगिन। ओह ऑल द बेस्ट, पॉइंट मत बनाना। तेरा क्या बोला तूने? तो मेरा जो टोटल आया है वो है 23। अब साथ में अर्जित का टोटल कर दे 17। विनर कौन हुआ? विनर नहीं, अभी सिर्फ एक राउंड हुआ है। अर्जित की पहली गेम में शर्मनाक हार के बाद हम खेल रहे हैं दूसरा गेम। चल रॉक पेपर सीजर्स करते हैं, देखते हैं किसकी पहली बारी है। ओके, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स, मैं जीत गया। दैट्स कॉल्ड अ क्लासिक शॉट। Guys, all I need is a 2 to win this game. अच्छा भला मैं गेम जीत रहा था, अब ना ही ये जीत सकती है ना ही मैं जीत सकता हूँ। नहीं मैं जीत सकती हूँ। कैसे जीतेगी? मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है, तेरे पास भी पॉसिबिलिटी। हम दोनों को बुलसाय मारना है, तो जो मारेगा बुलसाय वो जीत गया। बहुत सही मोमेंट पे गेम आके रुका हुआ, दोनों में से जिसने बुलसाय मारा वो जीत गया। ओ शेट, जीत चुकी ऑफिशियली दूसरा गेम भी। मैंने वैसे रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं खुद की बोलने में लग गया था वीडियो। मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है ना अपनी दूसरी जीत को डिक्लेयर करते हुए। फाइनली तो गाइस हम अपने थर्ड गेम पे, बहुत सिंपल है, हमारे को जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 द सेंट्रल रेड पॉइंट एंड द ब्लू पॉइंट, सब में एक एक बार हिट करना है, जिसपे सबसे पहले सबने हिट कर लिया वो जीत गया। ओह बोल जा, इसे स्टार्ट किया। Yes, you are. Guys, हम अपनी लास्ट गेम पे, हम दोनों की एनर्जी इतनी खत्म हो गई है, हिट ही नहीं हो रहा है हम दोनों से, दोनों का रिबाउंड हो रहा है, जान नहीं निकल गई है। नहीं, बट हम मारेंगे। थर्ड गेम फाइनली जाके मैं जीता हूँ, दो गेम में शर्मनाक हार के बाद थर्ड गेम मैं जीता हूँ, कैसा लग रहा है? ठीक है, बर्थडे बॉय है, मैंने एक गेम जीतने दिया है। अब फाइनल गेम है गाइस, हमारे फोर्थ गेम के लास्ट राउंड में है। शिवानी के 16 पॉइंट्स, मेरे 20 पॉइंट्स, दोनों की दो दो चांसेस बची है।
क्या तुम जीत पाओगे? मैं जीतूंगी, देखते हैं। मैंने आपको 16 और 20 बोला था। शिवानी ने 6 मारा था, भूल जाए मारा था। उसके बाद उसके 22 पॉइंट हुए और मैंने 1 और 2 मारा, उसके बाद मेरे 23 पॉइंट हुए। मैं जीत गया ये गेम, सो 2-2 स्कोर हुआ है। ये घनी ना इंसाफी है यार, मैं नहीं मानती स्कोर जा रहा है। ओ भाई बहुत मजा आ रहा है। ये प्रॉप्स दिए हैं, ये बड़ा वाला थॉर का हैमर मिल गया ना, आई फील लाइक लेडी थॉर। गाइस ये मेरे दो हैमर हैं, मीट स्टॉर्म ब्रेकर, मीट म्योनियर। हां बड़ा देसी थॉर। ब्रिंग मी थानोस। गाइस हमारा कंपटीशन हो गया है खत्म। 4 टूर्नामेंट्स खेलने के बाद 2 ये जीती, 2 मैं जीता। And it was an amazing experience. Amazing, thrilling experience. Honestly, मुझे पता भी नहीं था यार ऐसी कोई चीज यहाँ पर है। Thank you so much. You're welcome. Brussels में भी इतने अच्छे-अच्छे experiences, I had no idea. बहुत मजा आया। So guys, एक घंटा घर पे आराम से rest करने के बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर for our last activity of Sunday, and that's a full body massage. हम लोगों का लास्ट वीक ब्रसल्स 20 के रन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जान निकल गई थी। उसके बाद ये पूरा हफ्ता बहुत हेक्टिक रहा है। फिर लास्ट 2 दिनों से तो आप देख ही रहे हो कि हम लोगों ने कितनी भागा दौड़ी, ऊपर नीचे आगे पीछे की है, और आज ये एक्स थ्रो में तो जान निकल गई है। पूरी बॉडी इस टाइम पे स्टिफ हुई हुई है। मसाज तो ऐसा लग रहा है कि मच नीडेड है। क्या बढ़िया मसाज था गाइस, 1.5 घंटे की मसाज करा के जस्ट अभी फ्री हुए हम लोग। लड़के की आउटफिट तो देख लो सीधा टिबेट से आ रहे हैं गाइस। इन्होंने ना हमें हर्बल टी भी दिए है एंड उसके साथ साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी दिए हैं। तो बढ़िया एक्सपीरियंस लग रहा है ना, मजा आ गया। So, दोस्तों फाइनली हम मसाज करा के आ गए हैं, दोनों अच्छे अच्छे बच्चे। तो आपको कैसा लगा ये फाइनल एक्टिविटी को टुडे? ओ भाई साहब, ये फाइनल एक्टिविटी ट्रम्प्ड एवरीथिंग। इतनी बढ़िया थी, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। पूरी बॉडी से ऐसा स्ट्रेस ना मेल्ट अवे होता हुआ फील हो रहा था जब वो मसाज कर रहा था मेरी। इसकी तो आवाजें निकल रही थी मेरा बहुत मजा आया। So, अच्छे एक्साइटेड फॉर योर फाइनल एक्टिविटी? फाइनल एक्टिविटी हो तो गया मसाज, अब घर चलते हैं, सोते हैं आराम से। एक तो मैंने डिनर प्लान किया है, ऊपर से एक फाइनल एक्टिविटी प्लान करी है, वो करे बिना हम कैसे जा सकते हैं? ओके, व्हाट इज द फाइनल एक्टिविटी? फाइनल एक्टिविटी इज द व्यू। मैं तेरे को व्यू दिखाने जा रही हूँ। कौन सा व्यू, कैसा व्यू, किसका व्यू? मैं किसी व्यू को नहीं अरे, जानता। बस एक अच्छा व्यू दिखाने जा रही हूँ, चलना है नहीं चलना है? ओ, ये है द व्यू। दुबई हीरो कैसा लगा सरप्राइज? डे को इसने कहा था कि मुझे एक हाई नोट पे एंड करना है, ये तो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, बहुत हाई नोट पे डे जा रहा है हमारा, तो सिटी के टॉप में जा रहे हैं हम लिटरली। तो ऊपर लाके इन्होंने रोक दिया है, कैसा फील हो रहा है? मेरी पटरी इंडिया में नहीं होता था वो व्हील, बीच में तुम रुक जाता था, लोग लटके पड़े रहते थे, वैसे फील हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे? मम्मी अच्छू नीचे मेरे पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है, इसे रोक क्यों दिया है? पीछे देखना, तू कुछ नहीं देख रहा, पीछे देख, पीछे तो देखो, गाइस मैडम ने सीट चेंज करा दी है डर के मारे, बट इट्स ऑल कूल बेबी, सब चिल है। अभी टॉप आया नहीं है, अब उस साइड जब जाएगा तब बोल बताना। तो मेरे को हाइट से डर नहीं लगता ना, आई एम नॉट अ फट्टू लाइक यू। शट अप दोस्तों, दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विद दिस ब्यूटीफुल सनसेट। यार क्या मजेदार, क्या मजेदार सिटी है। सो गाइस इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम इस व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि हमारा डिनर प्लान हो चुका है कैंसिल, क्योंकि हमें इतना ज्यादा ठूसा है चंडीगढ़ में। यस, डिनर का तो कोई स्कोप ही नहीं है, घर जाके बस पानी पियेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें हम लोगों ने बहुत अमेजिंग चीजें करी है, ऑल कर्सी दिस क्यूटी पाई। आपको पता है आपको क्या करना है? आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो कि आज आपकी सबसे फन एक्टिविटी कौन सी थी, आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।